रिची में एक गोपाल तिवारी जी हैं, वो 1 करोड़ से ऊपर का सेव बेच रहे हैं। अगर आप फील्ड में आ जाएं कोई रिस्क नहीं है, काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जोशीमठ से आगे आप जाएंगे मल्लारी पास की तरफ, वहाँ पर ऐसा लगता है कि पूरा जमीन हनुमान जी उठा के ले गए, वो गड्ढा जैसा दिखता है बड़ा। उत्तराखंड में अगर किसी हमारे भाई को, किसी बहन को अगर अपना इस तरह जो आपका है रोजगार स्टार्ट करना है तो वो किस तरीके से करेगा? जैसे भी उत्तराखंड का पलायन रुके, यहाँ के बच्चों का भविष्य हो, वो हमारा उद्देश्य है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर BS कड़ाकोटी जी से, जिनको आपका मेडिसिन फील्ड में यानी जड़ी बूटी वाले फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है। सर ने इससे पहले NBRI लखनऊ में आपका काम किया हुआ है और बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें काम किया हुआ है। सर की अपनी खुद भी एक प्राइवेट कंपनी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद पंजी। उत्तराखंड में जैसे जड़ी बूटी का जो है बहुत बड़ा एक आपका फील्ड है, लेकिन वो अभी तक अनटच्ड है, तो उस बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे जो है स्कोप है जड़ी बूटियों में? पंजी, उत्तराखंड में जो है देश की जितनी वनस्पतियाँ उसका 25% उत्तराखंड में है, तो यहाँ की संभावना बहुत अपार हैं। लेकिन करने की ज़रूरत है, तलाशने की ज़रूरत है, उस फील्ड में कूदने की ज़रूरत है। अगर आप फील्ड में आ जाएं कोई रिस्क नहीं है, काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ देखिए उत्तराखंड ऐसा है, तराई से लेके भाबर और यूरोप का क्लाइमेट यहाँ पर है, ऊपर हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन और कोल्ड डिजर्ट यहाँ पर हैं, तो इतने किस्म की वनस्पतियाँ यहाँ पर है, ऐसा प्रदेश इंडिया में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसका भी और महत्व बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है सर, ये महत्व से पहले थोड़ा सा हम पुराणों की तरफ अगर हम चलें, हमको रामायण के टाइम पे यहाँ पे सुनाई देता है कि यहाँ पे संजीवनी बूटी आपका थी, हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी यहीं से आपका ले गए थे, तो वो किस इलाके में आपका होगा अगर संजीवनी बूटी की हम बात करें? सर ये जोशीमठ से आगे आप जाएंगे मल्लारी पास की तरफ, वहाँ पर ऐसा लगता है कि पूरा जमीन हनुमान जी उठा के ले गए, वो गड्ढा जैसा दिखता है बड़ा पहाड़ का। तो अगर वो बूटी को हम खोजें, अभी तक असली साइंटिफिक नाम उसका लोगों ने ढूंढा नहीं है। अच्छा, ये अभी भी शोध का विषय है, उस पर हम काम करना चाहिए हमने। अच्छा, संजीवनी बूटी पे जो है अभी काम करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक मिथ है जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, किस तरीके मतलब कहीं ना कहीं उसका यहाँ पे मिल जाएगा, बस रिसर्च करने की जरूरत है। देखिए जो पुरानी चीजें हैं सब सही निकलती हैं, तो वो भी जरूर सत्य होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, जो रामायण में कही गई आज भी सत्य निकलती हैं। बिल्कुल, तो ऐसी हवा में नहीं बोली गई है। ठीक है जी। अब यहीं पे जैसे जड़ी बूटी से थोड़ा सा आगे हम आपके जो अगर हम एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात करें, तो आपका एक्सपीरियंस जो है अगर हम थोड़ा सा डिटेल में उसको जानना चाहें तो क्या रहेगा? पंजी ऐसा है, मैंने शुरू में जब मैं NBRI में था तो मैंने मध्य प्रदेश का इलाका हमको दिया गया था, बस्तर और ये आपका झाबुआ आजकल का जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ के आदिवासी लोग क्या जड़ी बूटी खाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में और क्या जंगली फूड खाते हैं, उसका हम सर्वे करते थे, उनके सैंपल लॉ ऑफिस में लाते थे, फिर CDRI में उसकी एनालिसिस करते थे। कई चीज़ें 100% सत्य निकलती हैं, कहीं नहीं भी निकलती हैं। ठीक है, तो हमने इसमें काम किया, उसके बाद हमको प्राइवेट कंपनी ने ले लिया मुंबई में, जो जर्मन कंपनी थी हेक्स्ट के नाम से। ठीक है, तो उनका काम था कि इंडिया में जितने प्लांट है उनसे जो है आयुर्वेदिक सिस्टम से एलोपैथिक ड्रग कैसे बनाएं। अच्छा, तो मैंने उनको पूछा कि आप नेचर से क्यों एलोपैथिक बना रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं बनाते हैं, तो उनका कहना था जो नेचर से निकलता है वो सेफ रहती है। ओके, सिंथेटिक में टोटली केमिकल होता है, नेचर से जो दवा आती है वो सेफ रहती है, साइड इफेक्ट कम होते हैं, इसलिए उनके साथ मैंने करीब 16 साल काम किया। अच्छा, तो ड्रग डिस्कवरी करते थे, पहले पूरे हिंदुस्तान से थोड़ा थोड़ा सैंपल कलेक्ट करते, उसका एक्सट्रैक्ट बनाते थे, उसके बाद वो एक्सट्रैक्ट को जानवरों पर इंजेक्ट होता था, बहुत किस्म के उनके पैरामीटर जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नूट्रॉपिक एक्टिविटी बोल जिससे ब्रेन बढ़ता है, और कार्डियोवैस्कुलर हार्ट टॉनिक के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के लिए, और पेस्टिसाइड के लिए भी वो बायो पेस्टिसाइड के रूप में दवा जहाँ एक्टिव हो तो उस प्लांट को वो फिर अलग अलग जगह पर ग्रो कराते थे फार्मर से, और उसको बल्क कल्टीवेशन भी करते हैं, उसकी दवा भी निकालते थे। अच्छा ठीक है, ये दवाओं में सर जैसे अभी आप कह रहे ना कि ये नेचुरल से यानी आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट आपका जो है वो हो गया जी। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तराखंड में अगर किसी हमारे भाई को, किसी बहन को अगर अपना इस तरह जो आपका है रोजगार स्टार्ट करना है तो वो किस तरीके से करेगा? सर वो एक एक प्लांट भी पकड़ेंगे, जैसे मैंने आपको कहा हम एग्रोबेस कंपनी पर भी काम करते हैं, आप एक चुकंदर ही उगा लीजिए, उसको बल्क में उगाइए, उससे जो आजकल सिंथेटिक कलर है रेड कलर
उसकी जरूरत नहीं है लोगों को, इससे अच्छा कलर निकलता है रेड कलर। तो ये खाने में, मिठाइयों में, सारी जगह कलर जाएगा। अच्छा, और जो रेड कलर एक्चुअली पड़ता है वो इंसेक्ट से आता है, तो एनिमल है जो वेजिटेरियन उसको नहीं खाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हमको ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, जो हम लोगों को समय समय पर बताते रहते हैं, कोई इसका उपयोग उठाना चाहे, लाभ उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल है कहाँ पे सर? जैसे आप तो बहुत सारा जो है यहाँ पे स्कोप बता रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आपकी आ सकती हैं, लेकिन उत्तराखंड का जो युवा है वो अभी भी, अगर हम बात करें सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी के पीछे लगा हुआ है, तो वो प्रॉब्लम एक्चुअल में आपको कहाँ पे लगती है? ये प्रॉब्लम सर ऐसा है, हम लोग क्या है, हमेशा नौकरी बेस रहे हैं, या तो सरकारी नौकरी चाहिए या फौज में चले या अध्यापक बन गए, तो इस तरफ हमने कभी देखा ही नहीं। तो यहाँ पर जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं, आप ख्याल करना, सर्वे कीजिए, वो लोगों ने छोटे छोटे कारोबार अपने खुद के किए हैं, जिसको हम लोगों ने कभी भी सोचा ही नहीं। आज इसको सोचने की ज़रूरत है और युवा को ज़रा समझाने की ज़रूरत है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं और इसका यहाँ यहाँ पर यूज होता है, इसका बड़ा मार्केट है। और जंगल से आप केवल जर्म प्लाज जिसमें बोलते हैं लेके लगाइए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, खुद का कृषिकरण कीजिए, और इतनी भूमि बंजर पड़ी है आज, और इसको बंदर भी नहीं खाते हैं, तो बहुत स्कोप है काम करने। यही बात जैसे आपने प्रॉब्लम बताई ना, अगर हम उत्तराखंड के युवाओं से बात करें, वो कृषि क्यों नहीं करना चाह रहे या खेती के काम क्यों नहीं करना चाह रहे? सबसे पहले एक तो पानी की दिक्कत है, दूसरा बंदरों से या जो सुअर हैं उनसे जो है उनकी फसलों को जो है वो नुकसान आपका होता है, तो वो किस तरीके से उसको टैकल करें, कैसे उसको सुधारें? सर ऐसा है, आपने सुना होगा ये रीची में एक गोपाल तिवारी जी हैं, वो 1 करोड़ से ऊपर का सेब बेच रहे हैं। अच्छा, और उनके लिए भी तो बंदर होंगे, सुअर होंगे। अब हम लोग वहाँ पर नहीं रहेंगे तो बंदर आएंगे, बंदर पहले भी आते थे, हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो अपने घरों में कुत्ता पालते थे, कुत्ते को लेके खेतों में दौड़ते थे तो बंदरों को भगाते थे, आज भी वो जरूरत है। दूसरा, बंदरों को हम लोगों ने नमकीन खिलाना शुरू कर दिया है, नमक की चीजें। अच्छा, तो उनके मुंह में नमक लग गया है। हाँ, तो वो जंगल की चीजों को खाना नहीं चाहते। अच्छा, ये हम लोगों का भी दोष है। ठीक है, क्योंकि वो जंगल की चीजें क्या होती हैं, उनमें स्वाद कम होता है। ठीक है, नेचुरल। हाँ, विटामिन तो बहुत है लेकिन स्वाद कम है, ये स्वाद जीभ में है, तो उनको नमकीन का, मिर्ची का। इवन मैंने देखा है काला डोंगी रोड में कुछ लोग दारू की बोतल भी डाल रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं बंदर, तो ये सब हमारे बिगाड़े हुए चीजें हैं। अच्छा, तो इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर सरकार भी इस पर ध्यान देगी, सरकार कर रही है, बंदरों का बधियाकरण कर दिया जाएगा तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है सर, यहीं पे उनकी बात रही जो रींची में है, थोड़ा सा उनके बारे में और डिटेल में बताना चाहेंगे ताकि हमारे युवा जो है उनसे थोड़ा सा प्रेरणा ले सके। सर गोपाल तिवारी जी ने बहुत बड़ा एप्पल का गार्डन लगाया है वहाँ पर रींची में, पानी भी वो दूर से लाए हैं। अच्छा, और उन्हें चारों तरफ अब जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिसे बंदर ना आए, वो भी फेंसिंग कर रखी है। कितना एरिया है उनके पास जमीन? करीब 3-4 एकड़ है। 3-4 एकड़? जी हाँ जी हाँ। अच्छा, तो वो वहीं के रहने वाले? वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो उन्हें शुरुआत कैसे की अगर किसी को लगाना? शुरुआत उन्होंने पहले तो 10-20 पौधों से ही की, लेकिन आज धीरे धीरे उनके पास सैकड़ों पौधे हैं। अच्छा, तो उनमें अच्छी फसल आ रही है। ठीक है, हर साल आती है? हर साल आती है। अच्छा, जैसे मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आम के उसमें जैसे हमारे गाँव में भी है, हमारा गाँव भी वही पेदारघाट से आगे आपका है, तो आम क्या है ना, एक एक साल में आता है, इस साल आया तो अगले साल नहीं आएगा, फिर अगले साल आएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, एप्पल में ये प्रॉब्लम नहीं है, एप्पल में ऐसा है उसको विंटर में जब बर्फ़ पड़ने का टाइम होता है दिसंबर जनवरी, उसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, प्रूनिंग करेंगे तो फरवरी मार्च में फिर नए कल्ले आते हैं, फिर उसमें नए फ्रूट आते हैं, फ्लावरिंग होती है। ठीक है। हाँ। अब जैसे अगर हम यहाँ पे बुरांस वगैरह की बात करें, बुरांस का जूस हो गया या बहुत सारे यहाँ पे जूसेस वगैरह बिकते हैं, तो उसका भी यहाँ पे व्यापार या बिजनेस शुरू किया हो ही रहा है? लोग कर रहे हैं करोड़ों का, एक ही बुरांस से करीब 2 करोड़ का बिजनेस है उसका। अच्छा, केवल बुरांस? बुरांस जूस का। अच्छा, बाकी तो है ही है। ठीक है, ऐसे कई चीजें हैं। हाँ, तो आपको कमी कहाँ पे लगती है? प्रोडक्शन में कमी लगती है कि मार्केटिंग में कमी लगती नहीं, है? नहीं, कमी यहाँ पर पहला हमारा उसके प्रति जानकारी होना। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में आउटलुक बोलते हैं, उस तरफ आकर्षित होना। ठीक है, नेचर की तरफ प्रभावित होना। हाँ, वही हमारे कल्चर में नहीं है। अच्छा, नहीं, किस वजह से? क्यों उनको यहाँ पे मेहनत? रेडीमेड नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। अच्छा, ठीक, प्राइवेट में चले गए, मंथली तनख्वाह मिल रही है। हाँ, और कुछ ज्यादा कमाएं, अपना धंधा करें। ये गुजरात में जैसे आदमी बोलेगा 2 कक्षा भी पढ़ा, सिग्नेचर करना आ गया ना, अपना धंधा करो, वो यहाँ पर नहीं है वो कल्चर। अच्छा, ठीक है, ये बताना पड़ेगा हमको, आप जैसे लोगों के चैनल के द्वारा, सरकार के माध्यम से, IIM है इनके माध्यम से, ये जगह जगह कैंप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक है, अब सर यहीं पे थोड़ा सा, जैसे हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात कर रहे थे, उत्तराखंड में जैसे जो भांग की खेती है उसको भी लीगल कर दिया गया था, न्यूज़पेपर में इस तरीके का आया हुआ था। अब ये सुना तो मैंने भी, लेकिन एग्जैक्ट
कंफर्म है कि नहीं है मेरे को भी मालूम नहीं है। अच्छा, और भांग की केवल खेती करना तक मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ लोगों को। भांग की खेती से क्या होगा, आपको बीज मिल गया और भांग के रेसे निकल गए कपड़े बनाने के लिए, लेकिन हमको जो उससे जो प्रोडक्ट बनती है CBD जो बोलते हैं, अच्छा, जो कैंसर और डायबिटीज में है, अच्छा, वो भी प्रोसेस की परमिशन मिलनी चाहिए, तब इसको आगे बढ़ने की जरूरत है। अच्छा, उससे भी कैंसर ठीक हो सकता जी, है हाँ, जी, अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट निकाले, जैसे हल्दी वगैरह के बारे में तो हम सबने सुना हुआ है, कर्क्यूमिन आपका हल्दी में कैंसर जिससे ठीक होता है जी, उसका भी व्यापार यहाँ पे। बल्कि आपने ध्यान दिया होगा बचपन में लोग चरस को भी कहीं घाव हो गया उसमें भरते थे, अत्तर जिसको बोलते उसको खाते भी थे, नार्कोटिक में आता है, उससे भी कैंसर ठीक होता है। अच्छा ठीक है, तो सर यहाँ पे थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, जैसे पलायन जो है ना उत्तराखंड में बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे, आप कहते हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, हर राज्य में है, यूपी और बिहार वाले भी आपका महाराष्ट्र गए हैं, तो इसको एक व्यापक रूप में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें पौड़ी से सबसे अधिक जो है पलायन हुआ है, अल्मोड़ा से जो है आपका पलायन हुआ है, तो उसमें हम कैसे उसमें जो है उसको कम कर सकते हैं हम? सर ये तो एक तो मानसिकता ऐसी है कि हम शहर में जाके थोड़ा व्हाइट कॉलर जॉब चाहते हैं लोगों से, वो एक है। दूसरा, हमने लोकल चीज़ों को, लोकल उत्पाद को कभी अपनी तरफ से ध्यान दिया ही नहीं। जैसे मैं कहूँ आपको, हमारे यहाँ संतरे, किनो, नींबू इतने होते हैं, अगर इन्हीं का जूस बनाया जाए और उसके स्किन से जो तेल निकलता है वो आज की डेट में सबसे बड़ा बायोपेस्टिसाइड है खेतों में, ठीक है, तो केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं। या ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, इटली की कंपनियां बना रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं बना सकते? उस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है, नॉलेज नहीं रखी है, ठीक है, पढ़ना नहीं चाहा। और इसके अलावा थोड़ा बच्चों को, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनको ये छोटी छोटी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, ये काम करो, ये आपका 10 लाख का है, पहले अगले साल 20 लाख का हो जाए, ऐसे ही धंधा बढ़ता है, रातों रात नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो जनरेशन जो आपने सुना होगा, आनंद महिंद्रा जब उनके पिताजी बॉम्बे में आए थे 200 रुपए लेके आए थे, आज महिंद्रा एंड महिंद्रा कितनी बड़ी कंपनी है, ऐसे ही एंटरप्रेन्योर बढ़ते हैं आगे बनेंगे जी। हाँ ठीक है सर, अब थोड़ा सा हम आपके जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। आपने भी अपने लाइफ में जो है पहले जॉब वगैरह की है, उसके बाद फिर आप अभी बता रहे थे 2016 में आपने जो है अपनी इंडस्ट्री भी जो है आपने एस्टेब्लिश की है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, वो चैलेंजेस आपके क्या हैं या उसमें क्या रिवॉर्ड आपका मिलता है, किस तरीके से खुशी मिलती है, क्या रहता है? चैलेंजेस तो उत्तराखंड में क्या है, एक तो दुर्गम जगह है, यहाँ पर जड़ी बूटी अथा है लेकिन व्यापारिक तौर पर नहीं है, उसको बहुत बड़ी मात्रा में कृषिकरण नहीं हुआ है जिसकी जरूरत है, तो हमको जो माल जो है दिल्ली से खरीदना पड़ता है, ठीक है, आने का ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर वापस वहीं भेजना है एंटरप्रेन्योर बना के, तो वो ट्रांसपोर्ट में हम खा जाते हैं। थोड़ा वर्किंग कल्चर जो है हमको बढ़ाना पड़ेगा उत्तराखंड में, वो आज की डेट में कम लगता है हमारे, लापरवाही जिसको कहते हैं वो है अभी भी यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, सरकार को थोड़ा इंडस्ट्री के प्रति नरम रुख रख के काम, जल्दी ईज ऑफ बिजनेस जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, जो आज की डेट में बोलते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देता है, ठीक है। सर जैसे अगर हम थ्योरी की बात करें ना, जब ND तिवारी आपके थे, उनने मोहान में आपका फैक्ट्री लगाई थी, ताड़ीखेत में जो है वहाँ पे ड्रग फैक्ट्री आपकी लगाई थी, HMT तो चलो अब आपका बंद बिल्कुल हो ही चुकी है, तो क्या हम इसमें भी इस तरीके के कुछ और भी यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो लगा सकते हैं? सर बहुत बड़ा स्कोप है, आप नेचुरल कलर की लगाइए, सिंथेटिक कलर बैन हो रहे हैं विदेशों में, हमारे यहाँ इतने फ्रूट हैं, इतने फसलें हैं, इतना पालक है हरा कलर बना सकते हैं, मेथी है, चरी है, ये सबसे हरा कलर बन जाता है, हमारे यहाँ गाजर इतना होता है, ब्लैक कैरेट आजकल चल रहा है यहाँ पर एक, उससे कलर बना सकते हैं, और गोभी आजकल कलर्ड गोभी मैंने ऊटी में देखा था, साउथ में लोग उगा रहे हैं तो यहाँ भी होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम करते हैं, इंडस्ट्री का ही रूप ले सकती है, इतना बड़ा स्कोप यहाँ पर है। और यहाँ पर उत्तराखंड में हर किस्म की, हर देश की फ्रूट्स वेजिटेबल उग जाती हैं, सबसे अच्छा यहाँ के वातावरण का यह बहुत बढ़िया स्कोप है। अच्छा ठीक है, तो आपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो, या सबसे बड़ा चैलेंज आपने कौन सा फेस किया अपनी इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में? सर जो काम करते रहिए, चैलेंज नहीं है, रास्ता बनते जाता है। अच्छा, आपको प्लानिंग करते हैं, चलते रहना है, ठीक है। फिर भी कोई एक घटना, अगर एक एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? सर वो घटना बताना अच्छा नहीं रहा। अच्छा। रास्ते में आप चलते हैं तो कभी कड़वे कभी मीठे फल मिलते ही हैं, ठीक है, पर उसको भी रहना इसी समाज में, इन्हीं के साथ है, सब यहाँ के लोगों के साथ, तो मिलजुल के ही चलना पड़ता है,
थोड़ा जो है लेबर की प्रॉब्लम या ट्रेंड लोग नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमको बॉयलर के लिए चलाने के लिए गोरखपुर से मंगाना पड़ता है, यहाँ के लोग ट्रेंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इंडस्ट्री में कम काम किया है, वो सीखा नहीं है। ये चैलेंजेस। अच्छा, लेबर की मतलब जो ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर जो बोलते हैं, गवर्नमेंट ने भी अभी आपके स्किल बेस्ड जो है बहुत सारे आपके जो कोर्सेज तरीके के आपके चलाए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी? जरूर होगी। सरकार अपनी तरफ से पहल तो कर रही है, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको भी थोड़ा चाहिए कि उस पर रुझान दें, तो जरूर सफल होगा इंसान। ठीक है, और आप अपना कोई और एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे, जैसे आप इंडस्ट्रीज को भी जो है, जैसे किसी को, जैसे भी आप बता रहे बाजपुर में किसी को आपका लगानी इंडस्ट्री लगानी, आप वहाँ पे कंसल्टेशन आपका दे रहे हैं जी, तो इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना थोड़ा चाहिए? जैसे बोला मैंने बताया आपको, सरकारी ऑफिसर्स में ज्यादा टाइम नहीं, ई जो बिजनेस जो है उसको प्रैक्टिकली फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट में किस तरीके से आपका प्रॉब्लम? मार्केट तो आपको सर्वे करना पड़ेगा, मार्केट आप थ्योरिटिकल, आजकल तो गूगल का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, डिजिटल है, सारा मिल जाता है। आप कुछ ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है, जो भले ही कम बिकता हो लेकिन हाई प्राइस हो। ओके, आपकी स्पेशल आइटम है तो जरूर बिकती है। और दूसरा, इसमें ऑनेस्टी बहुत है चाहिए, ईमानदारी से भी धंधे होते हैं, आपकी चीज़ अच्छी है तो जरूर बिकता है। ठीक है, अब जो यूनिक आप कह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस इसी में है, मेडिसिन प्लांट में, जड़ी बूटियों में आपका है, तो एक दो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप बताना चाहेंगे कि इस पे आप काम कर लो तो आप अगले कुछ सालों में करोड़पति अरबपति बन पाओगे, कुछ एक दो अगर आपके दिमाग में अभी आ रहा है? मैंने कहा ऐसा, जैसे कि आप बीट रूट लीजिए, ब्लैक कैरेट लीजिए, आप ये हरड़ से काला कलर बनता है, नेचुरल कलर है, ठीक है, कपड़ों को रंगाने का कलर, आपके गेंदे के फ्लावर से बनता है, ये करोड़ों का काम हो सकता है। गेंदे के फ्लावर उगाना बहुत मुश्किल का काम नहीं है, उस कलर को खरीदने वाले इंडिया तो क्या, विदेशों में भी बहुत है, चाइना वाले हैं, जर्मनी वाले हैं, वो हाई डिमांड रहती है उनकी, टनों में एक एक कंटेनर मांगते हैं वो, एक कंटेनर 30 टन का होता है। अच्छा, और एक ही कंसाइनमेंट आपका चला जाए तो उसी में आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो सर स्कोप तो बहुत है। ठीक है, स्कोप बहुत है सर। जैसे अभी आप गेंदे के फूल से ही, मैं आपको भी बताना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि अभी एक कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने क्या किया हुआ है, मंदिरों से जितने भी पूजा स्थल धर्म स्थल होते हैं वहां से फूल लिए, उसको खुद आपका फिर सही किया, और उसके बाद उन्हीं से अगरबत्तियां आपकी बनाई हुई हैं जी, हाँ, तो रिसाइकल करके इस तरीके से आपका बनाया हुआ है। और आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका एक्सपीरियंस भी जो है साइकिल अगरबत्ती में है, मतलब आपने वहाँ पे भी कुछ काम किया हुआ है, तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे? अगरबत्ती का काम जो है कम से कम 5-6 हज़ार करोड़ का बिजनेस, केवल अगरबत्ती का, केवल अगरबत्ती अकेले। उसमें क्या है, जो पुराने फूल उल जाते हैं उनको कोट लीजिए थोड़ा, उसमें गोंद स्टिकी मटेरियल डाल लीजिए, ठीक है, और चिपका लीजिए, बम्बू स्टिक चाहिए। हमारे यहाँ बांस तो बहुत है, जंगलों में ऐसे ही पड़ा है, और फॉरेस्ट से ऑक्शन में लेके और रॉयल्टी फॉरेस्ट को भी मिल है, उनकी भी कटिंग हो जाए, नए पौधे लगाएं, और ये बहुत बड़ा बिजनेस है, हजारों करोड़ का। अच्छा, ये हमने कभी सोचा ही नहीं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में भी हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये तो बहुत आइडियल प्लेस है उत्तराखंड। अच्छा, यहाँ का वातावरण देखिए, फूट हिल है, तराई है, भाबर है, टेम्परेट रीजन है, यूरोप का क्लाइमेट है, और ऊपर ऊपर को जाइए कश्मीर का क्लाइमेट यहाँ पर है, और ऊपर जाइए तो टिम्बर लाइन जिसको बोलते हैं, जहाँ से ऊपर पेड़ नहीं होते हैं, खाली बुग्याल होते हैं, और बुग्याल में वज्रदंती हमारे यहाँ बहुत है, केवल उसको मल्टीप्लाई करना, उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत है, प्रोडक्ट पे फोकस करने की जरूरत है। अच्छा, पहले प्रोडक्ट पे फोकस करें तब आगे कुछ हो पाए। हाँ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आपकी, जैसे बुक की हम बात करें तो अपने व्यूअर्स को बता दो, इसमें केवल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के ही आपकी जड़ी बूटियां लिखी हुई है, इतनी मोटी आपकी बुक है, ठीक है, इसमें केवल नैनीताल की जड़ी बूटियां, अगर हम पूरे उत्तराखंड में 13 जिलों में आपका जाए कितनी मोटी बुक बन जाएगी? इसमें कम से कम 2000 पौधों का विवरण मैंने दिया है। ठीक है, अब 2000 में कोई एक आप पौधा पकड़े उसी पे अपना बिजनेस जो है वो खड़ा कर लें। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से वो काम हो सकता है। आप जब भुजान से क्रॉस करते हैं बाई तरफ एक रोड हलसू को गई, एक ऊपर रिंची को जाती है, उसके दोनों तरफ आपने देखे होंगे हमारे यहाँ थाकल के पेड़ बहुत हैं। अच्छा, लाखों में है वो, कभी है। आप लोग ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा? नहीं किया। हाँ, नहीं किया। उसका फल एक तो मीठा होता है, दूसरा उसके बीज से जो ऑयल निकलता है उसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, उसमें विटामिन ई होता है, वो विटामिन ई से चेहरे पर रिंकल नहीं आते हैं। अच्छा, और उसी को पकड़ के ऑयल से कलेक्ट करके हम छोटा सा मशीन एक लगा लें तेल निकालने, उसका करोड़ों का बिजनेस है। तो ये छोटे छोटे बिजनेस आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और हम तो जहाँ भी जाते हैं राय देते हैं लोगों को,
जो हमें अप्रोच करता है उसको ज़रूर बताते हैं। कुमाऊँ यूनिवर्सिटी वाले करते हैं अप्रोच, और आजकल मुझे वन पंचायत वालों ने भी कुछ जड़ी बूटी विशेषज्ञ बनाया है एक सदस्य देहरादून से, तो उनको भी हम सलाह देते हैं। ठीक है, अब अगर किसी जो नॉर्मल युवा है या उत्तराखंड का निवासी है या कोई और भी जो है उसको आपसे संपर्क करना हो तो वो फिर कैसे संपर्क? बिल्कुल, वो हमारा नंबर दे दीजिए आप। ठीक है, और वो काम करना चाहे तो बहुत स्कोप है। अब थोड़ा सेंसर और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। बैठे बैठे कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, मेहनत जरूर लगती है इसमें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे आपने बताया। और लास्ट में कुछ हमारे युवाओं को कुछ संदेश देना आप चाहेंगे? ये सोच के चलिए कि नौकरी तो 8 घंटे की है, अपना काम 24 घंटे का होता है, तो यहाँ के जो रिसोर्सेज चीज़ें उनको पहचानिए और उसको उगाइए। उसे जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ बागेश्वर की तरफ और ये भवाली दा एक सीलिंग का पेड़ होता है। अच्छा, उसके फ्लावर में इतनी खुशबू आती है अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर में, 2 बार खिलता है साल में, पूरा वायुमंडल में खुशबू रहती है, उसी के फूलों से आप परफ्यूम बनाएं तो वही करो। ये चीज़ें हैं तो वो सारी जानकारी इस बुक में मिल जाएंगी? मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। उसके अलावा हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो हम जरूर बताएंगे लोगों को, और जैसे भी उत्तराखंड का पलायन रुके, यहाँ के बच्चों का भविष्य हो, वो हमारा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे आपने बहुत अच्छी बातें बताई। तो व्यूवर्स, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।